इस वीडियो में आपको मैं ATP लॉन्चर के बारे में बात करने वाला हूँ। ATP लॉन्चर हाईली कस्टमाइज और फास्ट लॉन्चर है जो कि किसी भी एंड्रॉयड या स्मार्ट टीवी में इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन इसमें से जो विजेट्स का सेक्शन है उसे हम इनेबल नहीं कर सकते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आपको विजेट्स कैसे इनेबल करना है ये इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको फुल स्क्रीन वॉलपेपर कैसे सेट करना है ये बताया था। इस वीडियो में मैं आपको इसी ATP लॉन्चर में कैसे विजेट्स ऑन करना है, उसको कैसे एनेबल करना है ये बताऊंगा। जैसे कि आप जानते हो, ATP लॉन्चर में भले ही वो फ्री वर्जन हो या प्रो वर्जन हो, उसमें विजेट्स जब आप ऑन करते हो तो वो ऑन नहीं होता है। इस तरह का एक एरर मैसेज आपके सामने आता है। अगर इन विजेट्स को आपके टीवी में इनेबल करना है तो आपको कुछ सेटिंग करनी ज़रूरी है और एक एप्लीकेशन को भी आपके टीवी में इंस्टॉल करना ज़रूरी है। इसमें एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है लॉन्चर एक्स। मैंने पहले वीडियो में भी बताया था ये लॉन्चर एक्स कैसे इंस्टॉल करना है, साइड लोड कैसे करना है, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उसको भी देख लीजिए। तो इस लॉन्चर एक्स को आपके टीवी में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ टीवी में सेटिंग करनी होगी। ये सेटिंग करने के लिए आपको रिमोट सेल नाम का एक एप्लीकेशन है जो आपके मोबाइल में या लैपटॉप में, उसको इंस्टॉल करना होगा। रिमोट ADB सेल नाम का एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको टीवी का IP एड्रेस सर्च करके उसको उसमें जोड़ना होगा। IP एड्रेस डालने के बाद उसको आपके टीवी के साथ कनेक्ट करना होगा। इसके लिए आपका टीवी का डिबगिंग एनेबल होना ज़रूरी है। डिबगिंग कैसे एनेबल करना है मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, आप उसको भी देख सकते हैं। जैसे ही आप ये इंस्टॉल करते हो, कनेक्ट करते हो, आपको एक कमांड रन करना होगा। ये कमांड मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे रन कर लिया। देखो, इसको रन होने के बाद ये सक्सेसफुली आपका एक सेटिंग चेंज हो जाएगा। अब आपको आपके विजेट्स एनेबल करने के लिए और एक कमांड है, उसको भी इस ADB शेल में रन करना होगा। मैंने ये नोटपैड में कॉपी करके लिए रखा हुआ सेकंड कमांड जो है, इसको भी आपको ADB शेल में रन करना होगा, जिससे आपको एक एक्सेस मिल जाएगा कि किसी भी विजेट्स को आपके एप्लीकेशन में या टीवी में आप उसे रन कर सको। ये सेकंड कमांड रन होने के बाद आपका टीवी जो है वो पूरी तरह से अलाउ करेगा किसी भी विजेट्स को रन करने के लिए। आप आपके ATV लॉन्चर में आइए और वहाँ पे जो मन चाहा विजेट्स जो है वो लॉन्चर सेटिंग में जाके आप चेंज कर सकते हैं। आपको लॉन्चर सेटिंग में जाना होगा और यहाँ पे लॉन्चर सेटिंग में आपको विजेट्स को सिलेक्ट करना होगा। इन विजेट्स को आप आपके हिसाब से आप सेट कर सकते हो, साइज़ रिसाइज कर सकते हो। इस तरह से आप ATV लॉन्चर में आप विजेट्स को इनेबल करके जैसे चाहे आप टीवी को कस्टमाइज कर सकते हैं। आपके टीवी में जितने भी एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन का विजेट्स आप तैयार करके आपके होम स्क्रीन विंडो पे आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इन विजेट्स का एक फ़ायदा यह है कि आप किसी भी एप्लीकेशन को बिना ओपन करें उसको आप ऑपरेट कर सकते हो आपके होम स्क्रीन पे। जैसे कि यहाँ पे ये जो वेदर फोरकास्ट का यो विंडो है, इसका यूज़ करके आप रियल टाइम में आप फोरकास्ट आपके टीवी के स्क्रीन पे ऊपर देख सकते हो। Second, I know you feel the beat. Do you feel the rhythm all the way? Can you see the vision? Everything in this world will be okay. Can we be together all the way? I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching, reaching for something.